नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुरागीलाल चौहान से। मेरे साथ समय मौजूद है राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी। उनसे पूछेंगे कि किस तरह से उत्तराखंड के विकास को लेकर आगे की रणनीति चल रही है। सर, सुरागीलाल चौहान का स्वागत है। सर, किस तरह से देखिए, उत्तराखंड के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का विशेष दिन है, विशेष चुनाव है और डबल इंजन की सरकार पिछले 6-7 वर्षों से यहाँ चल रही है। लगातार विकास के काम हो रहे हैं, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, इंडस्ट्री आ रही है। अभी 3.5 लाख करोड़ के MOU हुए हैं, 2.5 लाख करोड़ की केंद्र की सहायता योजनाएँ चल रही हैं। पुरानी पुरानी चीज़ें जो 50-50 साल से लटकी हुई थी उनका समाधान हुआ है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन, रेल लाइन 1972 से डिमांड की, जमरानी बांध आज़ादी के बाद से मांग की, उससे किसानों को फायदा हुआ। 63 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी, सिंचाई की लिए पानी मिलेगा, रोजवानी की बिजली की समस्या हल होगी, ऑल वेदर रोड, रेलवे का रोड पे केदारनाथ के लिए रोड पे, हरमिंदर साहिब के लिए रोड पे, तो ओवरऑल डेवलपमेंट, एडवेंचरस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, तीर्थाटन को बढ़ाने के लिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, जिससे हमारे यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल रहा है और रिवर्स प्लान, तो इस प्रकार से उत्तराखंड में तो बहुत विकास हो रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 21वीं सदी का 3रा दशक ये भारत का दशक है और 21वीं सदी ये भारत की सदी है और उसका ये 3रा दशक उत्तराखंड का दशक है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि विकल्पहीन संकल्प, जब हम 2025 में 25 वर्ष का ये राज्य होगा तो देश के अग्रणी राज्यों में होगा, उसको लेने वहाँ तक पहुँचाने के लिए सभी लोग कठिन परिश्रम कर रहे हैं। सर, अगर देखा जाए पलायन जो है सबसे बड़ा मुद्दा है, राज्य बनने के बाद से अब तक पलायन की जो समस्या है वो बरकरार है, हालांकि उद्योग लगाने की बात भी की जाती है, अब किस तरीके से पलायन हो रही है? देखिए, पलायन रोकने के लिए सब कुछ हो रहा है, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, स्किल डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, इंडस्ट्री के अनुसार जॉब मिले इसके लिए स्किल डेवलपमेंट का के प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं, प्रशिक्षण के कोर्सेज चल रहे हैं, तो सब प्रकार से प्लान को रोकने का काम है। लेकिन विकास में और छलांग लगाने के लिए किसी को बाहर कोई अच्छा उससे भी ज़्यादा जीवन यापन करने के लिए और चीज़ों के लिए यहाँ जॉब मिलते मिल रहे हैं उसको प्रयास हो रहा है, लेकिन बहुत अधिक विकास करने के लिए घर छोड़कर बाहर जाना ये कोई प्लान नहीं है, ये विकास की सीढ़ी पर आगे बढ़ने का रास्ता है। अब तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ होने जा रही है 22 जनवरी को और पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व इस पर रोमांचित है, पूरे विश्व के अंदर इस पर दिवाली बनेगी और सभी लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारा 500 साल का खोया हुआ गौरव हमको फिर से प्राप्त हुआ है, जहाँ से प्रेरणा लेकर हम अगले अमृत काल में इतना प्रयत्न करेंगे कि 25 वर्षों में भारत को विश्व का सबसे अग्रणी विकसित राष्ट्र बनाए। आपके हमारे साथ भाजपा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी का साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड में लगातार विकास हो रहा है, चाहे केंद्र और राज्य की सरकार हो, आपसी तालमेल बैठा कर प्रदेश को विकास की ओर ले जा रही है। सिद्धार्थ शर्मा, सुरागीलाल चौहान का शुक्रिया। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।